बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफर नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे, तो उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए, इसलिए हम लोगों ने सहानुभूति पूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे, जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी, लेकिन जो ट्रांसफर पॉलिसी है तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं। उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग कह रहे हैं, तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने उस पर स्थगित करने का विचार किया है। तो कोर्ट ने आज स्थगित किया, देखिए जहां तक हमें पता है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि उसमें जो पेटिशनर्स थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफर नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है जो मुझे बताया गया, लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की, उनको कुछ पेटिशनर को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है जो हम लोग को जवाब देना होगा देंगे, लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से विचार किया था और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया था। सर, यह नीति नहीं बनेगी कि अब जो बनी हुई है इसमें कुछ चेंजेस होगा? हमने कहा कि ज्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं, या शिक्षकों ने, या पुराने शिक्षकों ने, नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, वो सब बातें तो रहेंगी, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। अनुमंडल